टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल पुरोहित चैनल पर। क्या आपकी भी इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक स्टोरी पर नहीं लग रही है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक पर नहीं लग पा रही है। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को अपनी फेसबुक स्टोरी पर ऑटोमेटिक लगाना चाहते हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देख लिए फिर भी आपको इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक पर लगाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे वीडियो देखने के बाद भी आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक पर नहीं लग रही है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको ऑन करने के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो फिक्स हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को फेसबुक स्टोरी पर आसानी से लगा सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी को फेसबुक स्टोरी में ऑटोमेटिक लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूं। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऊपर एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर ऊपर हमें एक अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स पर क्लिक कर लेना है। शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी आईडी इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगी वो आपको यहां पर दिखाई देगी। अगर आपकी आईडी इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है तो आपको नीचे एक ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको इस पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी आईडी को यहां पर लिंक कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर क्लिक कर लेना है तो यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर शेयर टू जो लिखा हुआ है शेयर टू के नीचे हमें हमारे जितने भी फेसबुक आईडी रहेगी या हमारे फेसबुक पेज रहेंगे वो यहां पर दिखाई देंगे। तो यहां पर आपको अपना इंस्टाग्राम स्टोरी को किस आईडी पर लगाना है उस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। आईडी को सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो यहां पर आप देख सकते हो हमें एक ऑटोमेटिकली शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो नीचे एक ऑप्शन यहां पर डिसेबल रहेगा योर इंस्टाग्राम स्टोरी का तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्टोरी लगाओगे तो वो स्टोरी आपके फेसबुक स्टोरी में ऑटोमेटिक लग जाएगी। अगर आपको ये ऑप्शन ऑन करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपके इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक पर नहीं लग पाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो जहां पर हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना अमूल्य विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को नई जानकारी सीखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।